हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ग्रीटिंग वेबसाइट इन React.js। React.js का यूज़ करके हम एक ग्रीटिंग वेबसाइट बनाने वाले हैं। सो आप लोग देख सकते हो कि अभी जो टाइम है 9 AM है। सो हमें गुड मॉर्निंग का मैसेज दिख रहा है। सो बेसिकली हम टाइम के हिसाब से यहाँ पर मैसेज को शो करने वाले और उसी हिसाब से यहाँ पर आइकन भी चेंज होगा। सो अगर यहाँ पर हमारे पास टाइम 12 PM या उससे ज़्यादा होगा तो हम गुड आफ्टरनून का मैसेज डालेंगे। देन 6 PM के बाद हम गुड इवनिंग का मैसेज देंगे। देन उसी तरीके से 10 PM के बाद हम गुड नाइट का मैसेज शो कर रहे होंगे। सो बेसिकली हम यहाँ पर टाइम के हिसाब से इस मैसेज को डिस्प्ले करवाने वाले और उसी तरीके से हमारे पास आइकन भी डायनेमिकली चेंज होगा। सो आज की इस वीडियो में यार बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि यार एक स्मॉल प्रोजेक्ट है लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यार जब आप लाइक करते हो तो शेयर करते हो और कमेंट करते हो तो यूट्यूब इसको ज़्यादा रीच दे पाता है। तो प्लीज़ गाइज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर गाइज़ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यार इसी तरीके से हमारे पास React.js की एक पूरी सीरीज़ आने वाली है प्रोजेक्ट की, जिसमें हम स्मॉल से लेके एक कम्प्लीट वेबसाइट देखने वाले। तो जल्दी हमारे पास बड़ी वेबसाइट्स भी आने वाली, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो हम चलते हैं VS Code पर। आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पर एक ग्रीटिंग वेबसाइट फोल्डर बना लिया है और React को इंस्टॉल कर लिया है। अगर आप लोगों को नहीं पता है किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं तो लिंक एक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें हमने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप देखा है कि किस तरीके से React को इंस्टॉल कर रहे हैं। आप चेकआउट ज़रूर करें। तो हमारे पास SRC फोल्डर के अंदर कॉम्पोनेंट एक फोल्डर है, इसके अंदर हम एक फाइल बना लेंगे, बेसिकली एक कॉम्पोनेंट बना लेंगे greeting.js इस तरीके से, और यहाँ लिखेंगे RAFCE React Arrow Function Component Export, सेव कर लेंगे और यहाँ पर हम greeting लिख देंगे। जैसे इंटर करेंगे तो इम्पोर्ट हो चुका है, सेव कर लेंगे और यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास greeting आ चुका है। देखिए रिफ्रेश हो रहा है भी है। सो थोड़ा टाइम ले रहा है रिफ्रेश होने में, बट आप लोग देख सकते हो ग्रीटिंग हमारे पास आ चुका है, ये परफेक्टली हो चुका है इम्पोर्ट। देन हमें यहाँ पर सबसे पहले तो डिज़ाइन बना लेनी, तो हम यहाँ पर एक एम्प्टी टैग का यूज़ करेंगे ताकि मल्टीपल JSX को यूज़ कर पाए। हम एक डिव ले लेंगे जिसकी क्लास होगी बेसिकली कंटेनर। देन हमारे पास एक H2 होगा, एक H2 जिसके अंदर हम लिखने वाले ग्रीटिंग वेबसाइट, ठीक है। देन H1, इस H1 के अंदर हम टाइम शो करने वाले और हमारे पास होगा P, इसके अंदर हम मैसेज शो करने वाले। तो अभी लिख देते हैं मैसेज, सिंपल हमने कुछ इस तरीके से लिखा है और आप लोग देख सकते हो कि आ चुका है। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये डिज़ाइन कैसे है, ये बॉक्स सेंटर में कैसा है, कलर कैसा है। तो बेसिकली यार हमने इसके ऊपर CSS पहले से अप्लाई कर रखी है। सो ये हमारी index.css है फाइल, इसके अंदर बहुत थोड़ी सी CSS है, आप लोग देख सकते हो। आपको कोड का सोर्स कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कोई टेंशन ना ले, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट काम ये है, जो हमारा फर्स्ट टास्क है कि हमें टाइम को शो करना है। ओके, जो अभी करंट टाइम हो रहा है वो शो करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, const let एक हम वेरिएबल बना लेंगे डेट, और हमारे पास न्यू डेट एक मेथड होती है जिसके अंदर हमारे पास मंथ टाइम हवर हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो let करंट टाइम हमें चाहिए, तो करंट टाइम एक वेरिएबल बना लेंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे डेट डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। सो टू लोकल टाइम स्ट्रिंग जो मेथड है ये आपको लोकल जो टाइम हो रहा है इस वक्त वो देता है, मींस आपके लैपटॉप पर कंप्यूटर पर जो लोकली टाइम हो रहा है वो आपको देगा। ओके, कंप्लीट AM PM में इस तरीके से। देन अब हमें एक कॉन्स्ट यूज स्टेट बना लेंगे जिसमें हम इसको स्टोर कर पाए। हम बोलेंगे टाइम सेट टाइम यूज़ स्टेट हुक, और इसके अंदर हम करंट टाइम को डाल देंगे। तो हमने इनिशियल स्टेट में यूज़ स्टेट के अंदर करंट टाइम को डाल दिया, मींस जो भी टाइम होगा वो इसके अंदर हमने इंटर कर दिया, तो वो हमारी करंट स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
करली ब्रेसेस के अंदर टाइम लिखें, क्योंकि जब भी हमें JSX के अंदर या HTML के अंदर कुछ लिखना है तो हमें करली ब्रेसेस के अंदर लिखना होगा। तो ये बेसिकली JavaScript है, तो इसको हम HTML में करली ब्रेसेस के अंदर लिख रहे हैं। तो हमें अभी जो टाइम हो रहा होगा करंट, वो टाइम मिल रहा होगा। ओके, एक बार रिफ्रेश, आप लोग देख सकते हो ये हमें टाइम मिल रहा है जो इस वक्त हो रहा है। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप लोग देखना यहाँ पर जो टाइम सेकेंड है ये चेंज हो रहा है, 17 है, अभी 20 हो चुका है। तो जो करंट टाइम है इस वक्त वो हमें मिल रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हमें इसे यार कंटिन्यूस दिखाना है, मतलब जैसे डिजिटल क्लॉक होती है कि हमारे पास सेकेंड चलते हुए बिल्कुल दिख रहे हैं, उस तरीके से हमें दिखाना है इसे कंटिन्यू। तो वो कैसे दिखाएंगे, तो सेट इंटरवल हमारे पास एक मेथड है, सेट इंटरवल के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होता है। ओके, सेट इंटरवल क्या है, तो बेसिकली सेट इंटरवल रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करता है। सो जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर आपको टाइम लिखना होता है, ओके आपको यहाँ पर लिखना होता है टाइम, तो 1000 ये हम लिख रहे हैं मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड, हम बोल रहे हैं 1 सेकेंड बाद चलाओ। और मैंने अगर इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग हेलो लिख दिया तो क्या होगा, जैसे ही 1 सेकेंड कंप्लीट होंगे हेलो प्रिंट कर देगा, फिर से जैसे ही 1 सेकेंड कंप्लीट होंगे हेलो प्रिंट कर देगा, तो ये लूप में चलता ही रहेगा। जैसे ही 1 सेकेंड हुए हेलो, इस तरीके से हर एक सेकेंड बाद हमें हेलो मिल रहा होगा। तो ये रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करता है। ओके, अब हमें क्या करना है यार, हमें इस करंट टाइम को लिखाना है यहाँ पर। तो इसको हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और फिर से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। क्यों, हम चाहते हैं तो इसको भी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, बट क्या होता है कई बार हम इसको यूज़ करते हैं ना तो जो नंबर है वो लैग करते हैं, इसीलिए हम इसके अंदर लिख रहे हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, जो हमारे पास सेट टाइम जो अपडेटेड स्टेट है इसके अंदर करंट टाइम को असाइन कर दें। तो होगा क्या, जैसे ही 1 सेकेंड कंप्लीट होंगे ये हमारे पास कोड चलेगा और सेट टाइम मेथड के अंदर जो करंट टाइम होगा वो चलेगा, फिर हर एक सेकेंड बाद करंट टाइम उसके अंदर जा रहा होगा, तो हमें अपडेटेड होते हुए दिख रहा होगा। ठीक है, सेव कर लेंगे और रिफ्रेश कर लेंगे और आप लोग देख सकते हो हमारी डिजिटल क्लॉक स्टार्ट हो चुकी है। देखिए 13, 14, 15, 16, तो कम्प्लीटली हमारी डिजिटल क्लॉक कंटिन्यूसली चल रही, तो हमारा ये टास्क हो चुका है। ठीक है, अब हमें टाइम के हिसाब से मैसेज शो करना है यहाँ पर, तो जो बेसिकली टाइम हो उसके हिसाब से हमें मैसेज शो करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सबसे पहले तो हम हवर को गेट कर लेंगे, लेट हवर एक वेरिएबल बना लेंगे और डेट डॉट गेट हवर, हमारे पास मेथड होती है जो हमें हवर्स देती है, मीन्स अभी कितना हवर हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं, 13 हो रहे हैं, 15, इस तरीके से। ठीक है, और एक लेट मैसेज एक वेरिएबल बना लेंगे सिंपल, और यहाँ पर हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन में हम चेक कर रहे होंगे कि हवर अभी कितने हैं, तो हम मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम बोल रहे होंगे हवर, अगर हवर बड़ा है या इक्वल है 5 के, और हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, मतलब ये सेकंड कंडीशन भी ट्रू होना ज़रूरी है इसकी। ठीक है, हवर लेस देन है 12 के, मतलब सुबह से 5 से लेकर 12 बजे तक। ओके, तो यहाँ पर हम क्या मैसेज शो करेंगे, मैसेज में हम शो करेंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, इस तरीके से। ठीक है, देन हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन होगी उसमें हम चेक करेंगे 12 PM से लेके 6 PM तक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हवर, अगर हमारा हवर बड़ा होता है या इक्वल होता है 12 के, ओके, और वो छोटा होता है किसके, 18 के, 18 मीन्स 6 PM, क्योंकि ये जो हवर है ना हमें इस तरीके से टाइम देगा, 12 के बाद 13, 14 के अंदर टाइम देगा, आप समझ रहे हो ना, ये इस तरीके से हमें टाइम देगा 13, 14 इस तरीके से। तो 12 के बाद हमारे पास हो जाएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 मीन्स 6 PM। तो अगर 12 PM और 6 PM के बीच में टाइम रहा तो हम यहाँ पर शो करेंगे गुड आफ्टरनून, इस तरीके से। ठीक है, और अगर हमारे पास 6:18 मीन्स 6 PM, 6 PM के अगर वो टाइम इक्वल होता है, ओके, या उससे बड़ा होता है, और यहाँ पर हम लिखेंगे 10 PM, तो 10 PM बेसिकली हमारे पास आ जाएगा लेट से माइनस हो जाएंगे हमारे पास 2, तो 22,
ओके 22, 23, 24 होंगे क्योंकि, तो 10 PM हमारे पास हो जाएगा, आई थिंक 22 हो जाएगा लगभग। तो अगर हमारे पास टाइम 6 PM से और 10 PM के बीच में होता है, ओके, तो हम यहाँ पर गुड इवनिंग का मैसेज शो करेंगे, गुड इवनिंग इस तरीके से। देन हमारे पास अगर टाइम जो है, अभी उसे हम हटा देंगे, अगर हमारे पास टाइम बड़ा हो जाता है 22 से, तो यहाँ पर हम शो करेंगे गुड नाइट का इस तरीके से। बट अभी आप देखो, जैसे ये 21, 2 होगा, 23, 24 होगा, तो मतलब 20 जो हवर है वो 22 से अगर बड़े होंगे, अगर वो 23 होता है, 24 होता है, तो गुड नाइट का मैसेज देगा। फिर क्या होगा, जैसे 24 होगा ना, उसके बाद वो 1 होने स्टार्ट हो जाएगा, ओके, तो फिर हमें गुड नाइट का मैसेज नहीं दिखेगा। तो हमें रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी गुड नाइट का मैसेज शो करना है, तो उसको क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन लगाएंगे और बोलेंगे अगर हवर छोटा होता है 5 से, मतलब सुबह के 5 ले ले, आप 4 भी लिख सकते हैं। बेसिकली आप ये जो कंडीशन है ना, इसको और अच्छी तरीके से हम एकदम एक्यूरेट भी कर सकते हैं। आप 5 लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, तो भी हम यहाँ पर गुड नाइट का मैसेज शो कर रहे होंगे इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास अगर सुबह के 5 से लेके 12 PM होते हैं दोपहर के, तो हम गुड मॉर्निंग, फिर 12 PM से 6 के बीच में गुड आफ्टरनून, और फिर 6 PM से लेके 10 PM के बीच में गुड इवनिंग, और 10 PM के ऊपर हम यहाँ पर गुड नाइट का मैसेज शो कर रहे हैं। तो इस मैसेज को हमें दिखाना भी होगा, तो आपको क्या करना है, अगर आपको जैसे कि यार जावास्क्रिप्ट लिखना है HTML के अंदर, तो कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है। टाइम को हमने लिख दिया, सॉरी टाइम नहीं, हमारे पास क्या वेरिएबल है, मैसेज, सेव कर लेंगे और एक बार रिफ्रेश कर लेंगे इसे। सो आप लोग देख सकते हो अभी हमें गुड मॉर्निंग का मैसेज दिख रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, फाइन है, ओके, अभी ये दिख रहा है। बट हमें यार सभी कंडीशन को चेक करना है कि हमने कंडीशन लिखी है गुड आफ्टरनून के लिए, गुड इवनिंग के लिए, गुड नाइट के लिए, वो सभी कंडीशन को चेक करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, क्योंकि हमने कंडीशन सभी लिखी है बट उसको सही तरीके से चेक करना है हमें। तो देखिए जो डेटा डॉट गेट हवर है, अभी तो जो हवर हो रहा है वो मिल रहा है, बट हम यहाँ पर अपने हिसाब से चेक करने के लिए हम खुद से हवर को लिखेंगे। जैसे अगर मैंने लिख दिया 11, तो 11 पे मुझे क्या मिलना चाहिए, गुड मॉर्निंग मिलना चाहिए, गुड मॉर्निंग मिल रहा है, रिफ्रेश कर लेते हैं, यस गुड मॉर्निंग मिल रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट से 13 मीन्स दोपहर के 1, सेव, तो हमें यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, गुड आफ्टरनून मिलना चाहिए। देखिए गुड आफ्टरनून मिल रहा है परफेक्टली, आप लोग देख सकते हो काम कर रही है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ लेट से 6 PM, 6 PM के ऊपर, तो अगर मैं 19 लिख दूँ, 19 मीन्स 7 PM, 6 PM के ऊपर 7 PM, यहाँ पर हमें गुड इवनिंग मिलना चाहिए, रिफ्रेश कर लेंगे, गुड आफ्टरनून मिल रहा है हमें, सॉरी मैंने 17 लिख दिया, मुझे यहाँ पर 19 लिखना पड़ेगा क्योंकि 18 ही 6 PM है, तो 19 7 PM होगा, 7 रिफ्रेश। आप लोग देख सकते हो गुड इवनिंग का मैसेज शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लेट से 23 लिख दूँ, मतलब रात के 11, तो हमें गुड नाइट का मैसेज शो होना चाहिए। आप लोग देख सकते हो गुड नाइट का मैसेज आ रहा है। तो ये जो हमने कंडीशन लगाई है बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है, आप लोग देख सकते हो। देन इसी के बेस पे हमें इस पर इमेजेस भी शो करनी है, जैसे यार सन है तो सनी की इमेज दिखाना है, नाइट में मून की इमेज दिखाना है, तो ये दिखाना है। तो हम क्या कर लेंगे, इम्पोर्ट कर लेंगे इमेजेस को, इम्पोर्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम सन को इम्पोर्ट कर लेंगे फ्रॉम, तो हमारे पास फोल्डर है, फोल्डर के अंदर हमारे पास इमेजेस है, .forward/.forward/ देखते चेक करते, तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास एक इमेजेस फोल्डर है। इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारे पास है sunny.png, इसको ले लेंगे, ठीक है, कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। फिर उस तरीके से हमारे पास है क्लाउड की, ओके, क्लाउड आ चुका है, देन आ चुका है हमारे पास मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग डॉट png आ जाएंगे,
morning.png। देखिए सन हो चुका है, क्लाउड हो चुका है और मॉर्निंग हो चुका है, क्लाउड मून। अब हमें यहाँ पर मून की करना है। इस तरीके से हमने इंपोर्ट कर लिए इमेज को इमेजेस फोल्डर के। अब हम क्या करेंगे, इमेजेस को कैसे शो करना है, तो आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बना लेना है, लेट एक वेरिएबल बना लेना है इमेजेस इमेज। ओके, हमने एक वेरिएबल बना लिया और अगर जैसे ही सुबह के 5 और 12 के बीच में होंगे तो हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे, तो इमेजेस के अंदर ये हमारे पास जो इमेज वेरिएबल है इसके अंदर असाइन कर देंगे हम बेसिकली मॉर्निंग, जो मॉर्निंग हमने इमेज इंपोर्ट की है उसे, ठीक है। फिर इमेजेस फोल्डर के अंदर हम असाइन कर देंगे यहाँ पर सन, ठीक है। फिर इमेज के अंदर हम असाइन कर देंगे यहाँ पर गुड इवनिंग में हम क्लाउड को शो कर रहे होंगे, ओके क्लाउड। फिर गुड नाइट में इमेज के अंदर हम यहाँ पर मून को शो कर रहे होंगे, ठीक है, और इसमें भी मून आ रहे होंगे इसके नीचे वाले पार्ट में, ठीक है। सेव कर लेंगे और अब हमें इमेजेस को शो भी करना है, तो इमेज कैसे शो करेंगे, आपको एक इमेज टैग लेना है, ओके, क्लोज करना है, देन src लिखना है और इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको उस इमेज फोल्डर, जो इमेज हमने वेरिएबल बनाया है उसे लिख देना है, तो उसके अंदर जो भी इमेज आएंगी वो हमें शो हो रही होंगी। देन आपको अल्ट लिख देना है, अल्ट मीन्स अल्टरनेट, अगर आपकी इमेज नहीं शो हो रही है तो वो शो करता है, कि वो बताता है कि अच्छा ये इमेज है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इमेज प्रॉब्लम कुछ भी। सेव कर लेंगे और एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो हम पर हमारे पास हमने जो टाइम है उसको चेंज कर रखा है नाइट का, तो हमें गुड नाइट दिख रहा है मैसेज और हमें मून का आइकन दिख रहा है, तो बिल्कुल ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब मैं जो करंट टाइम उसके अंदर डाल दूंगा मैं, तो हमें क्या दिखना चाहिए, अगर मैं उसमें करंट टाइम डाल दूंगा तो हमें यहाँ पर बेसिकली मॉर्निंग का आइकन दिखना चाहिए और गुड मॉर्निंग आना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पर हम date.get hour हमने डाल दिया, सेव कर लेंगे। आप लोग देख सकते हो 10 AM हो रहे, गुड मॉर्निंग है और हमारे पास यहाँ पर आइकन आ रहा है सन का, जो कि राइज हो रहा है सन। सो आप लोग देख सकते हो कि हमने एक कंप्लीट ग्रीटिंग वेबसाइट बना ली है, जिसमें यार हमने कंप्लीट लॉजिक को समझा इसके पीछे यार कैसे हम वर्क कर रहे हैं, और देखा कि हम किस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से रिएक्ट की हेल्प से इसे बना सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले यार, क्योंकि इसी तरीके से यार कंटेंट आने वाला है और भी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं रिएक्ट जेएस की इस प्रोजेक्ट सीरीज़ में, और कंप्लीट एक वेबसाइट भी देखेंगे जिसमें कंप्लीट फंक्शनलिटी कॉम्प्लेक्सिटी होंगी। सो प्लीज़ गाइस प्लीज़ 1 लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले यार, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारा नेक्स्ट टारगेट है यार 10K सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।